तुला राशि आज का राशि फल यानी कि 29 नवंबर का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क तुला स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप कहीं भी ना करें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए आज का उपाय भी बताऊंगा, जिस उपाय को फॉलो करके आप अपने आज के दिन को अच्छा बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे जन्म कुंडली के बारे में, हस्तरेखा के बारे में या आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप व्हाट्सएप करते हो और मैं आपकी हेल्प करता हूं तो आपको हेल्प के बदले में कुछ चार्ज देने पड़ेंगे, कुछ शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप कर लो और जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आज के स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामान्य तौर पर ठीक रहेगा, यानी कि सामान्य में अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और उन वस्तुओं से आप दूर रहें जो वस्तु आपके बॉडी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए सही ना हो। और साथ ही साथ आज सुबह के समय आप एक्सरसाइज करें, ये आपके हेल्थ के लिए सही रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपको दिक्कत बहुत कम आएगी, या ये कहें तो ना के बराबर आएगी। अब है आपका आज का धन संपत्ति, इस लिहाज से आपका आज का दिन ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहने वाला है। आज के दिन आप उन लोगों से दूर रहें जो लोग आपसे उधार मांगते हों, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी हो, उन लोगों को आज आप खुद से दूर रखें। और अगर वो उधार मांगे तो उधार ना दें, क्योंकि उधार देने के बाद फिर वो लौटाने में दिक्कत करेगा और उस दिक्कत के वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। इसके बाद है आपका आज का पारिवारिक संबंध, इस लिहाज से भी दिन अच्छा नहीं रहने वाला है। आज के दिन आप घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान दें। अगर घर में कुछ हो रहा हो, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो, तो उस मामले को आप इग्नोर ना करें और अपना काम धंधा छोड़कर आप उस काम के पीछे ध्यान दें, ताकि आपका घर का माहौल शांत रहे और घर में कहीं कोई बाधा ना आए, इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। इसके बाद है आपका आज का प्रेम संबंध। मित्रों, प्रेम संबंध के लिहाज से आज का दिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। आज आपके और आपके प्रेमी के बीच थोड़ा बहुत नोकझोंक होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत उत्पन्न हो सकता है। तो आज आप उनसे झगड़ा करने का प्रयास न करें, क्योंकि आज अगर आप झगड़ा करते हो तो ये आपके और आपके रिश्तों के लिए बेहतर नहीं रहेगा, इसलिए इससे आज आप बचने का प्रयास करें, ये अच्छा रहेगा। इसके बाद है आपका व्यवसाय, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद घंटे के आइकन को ऑन कर लें, और उसके बाद आप इस वीडियो को हर जगह फैला दें, शेयर कर दें, ताकि हर कोई इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मित्रों, व्यवसाय के लिहाज से आज का दिन बहुत बेहतर रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आज का दिन आपके लिए सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा रहने वाला है। आपके कामकाज में आपको फ़ायदा होगा, लॉस नहीं होने वाला है। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अपने करियर को लेकर आज आप जो फैसला करते हैं उसमें आप बहुत सफल होंगे, वो फैसला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब है आपका आज का वैवाहिक जीवन, जो कि ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, ये आज खराब रहने वाला है, क्योंकि आपकी बीती जिंदगी का कोई राज आपके जीवन साथी को आज उदास कर सकता है, जिसके वजह से आपका मूड भी ऑफ रह सकता है। तो अब है आपका आज का उपाय। मित्रों, आज के दिन आप गेहूं, बाजरा और गुड़ को मिलाकर लाल रंग के गाय को खिलाएं, ये आपके आज के दिन के लिए बहुत बेहतर रहेगा और फिर कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, भारत माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।